दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के लाइव में हम सातवीं की पावर सप्लाई के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हमने कल ये पावर सप्लाई लिया था, ये देखिए अनकम्प्लीट रह गया था, और परसों हमने ये पावर सप्लाई ली थी। इसकी आईसी आज आने वाली है तो इसको हम कर लेंगे इसको। लेकिन आज हम ये पावर सप्लाई के बारे में बता रहे हैं आपको डिटेल में। ये पावर सप्लाई कल हम रिपेयरिंग के लिए लिए थे लेकिन अनकम्प्लीट रह गई थी, पावर चला गया था, इसका ड्राइव वोल्टेज नहीं आ रहा था। सबसे पहले हम आपको A3843 आईसी के बारे में बता रहे हैं कि इसके पिन कनेक्शन कैसे हैं। तो इसके में आप डाटा तो आप मोबाइल पे भी निकाल के देख सकते हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन मेन मेन पिन आपको मैं बता देता हूँ जो याद करने लायक है। 7 नंबर पिन पे इसके सप्लाई आती है, 7 नंबर पिन पे इसकी सप्लाई है। इसकी सप्लाई 8 वोल्ट होती है स्टार्ट के लिए, जो आती है ओनली 8 वोल्टेज, 12 वोल्ट इसमें नहीं आता है। 8 वोल्ट की सप्लाई स्टार्ट के लिए आएगी। उसके बाद इसका जो सेंस पिन है वो 3 नंबर है, वहाँ से ड्राइव निकलता है, और एक रेजिस्टेंस 56 ओम्स या 47 ओम्स के थ्रू मॉस्फेट के सेंस पिन पे जाता है। वो वोल्टेज आता है इसका 0 से 7980 तक, 0.80 तक आता है, 0.80 तक इसका ड्राइव रहता है। इसका ड्राइव कम रहता है, और ये वोल्टेज अगर नहीं आता है तो आपको मॉस्फेट नहीं डालना है। 0.80 इसका ड्राइव है, जैसे कि पावर लाइट की सप्लाई में 3843 जहाँ भी यूज किया हुआ है वहाँ पर आता है। और इसका फ्लाई बैक 2 नंबर है, 3 नंबर सेंस है, 6 नंबर आउटपुट है। 6 नंबर आउटपुट मीन्स गेट और 3 नंबर सेंस, 3 और 6 के बीच में गेट और सेंस जुड़ता है इसका। गुड मॉर्निंग MD T2G, बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। कल आपने कुछ पूछा था, वो सप्लाई जो आप बता रहे थे वो 36 की नहीं है, कम की सप्लाई है, स्टिकर लगा रहता है 36 का। मेरे पास भी ऐसी सप्लाई आई थी, 36 वोल्ट आउटपुट नहीं है उसका, 24 या 28 वोल्ट ही है, 30 वोल्ट मैक्सिमम आपके इसमें आता होगा, लेकिन आप उसको सेंटर में रखिए, वो कम वोल्टेज की सप्लाई है, स्टिकर लगा रहता है। मेरे पास 2-3 सप्लाई ऐसी आई थी, मैंने भी देखा था 36 लिखा हुआ है लेकिन 36 आउटपुट नहीं था किसी में। वो प्रॉब्लम नहीं है, उतना वोल्टेज ही आउटपुट आता है इसमें, जो मदरबोर्ड लगा होगा कम वोल्टेज का ही लगा होगा, इसलिए मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में पूछ रहा था। तो हम बात करते हैं 3843 के बारे में, और इसका जो सप्लाई पिन 7 नंबर है, 6 और 2 इसका सेंस और आउटपुट है जो गेट के बीच में रहता है, और 5 नंबर इसका ग्राउंड है। कल प्रॉब्लम आ रहा था इसमें कि इसका ड्राइव वोल्टेज नहीं आ रहा था। देखिए आईसी का एक जो यहाँ पे जल करके ब्लास्ट जैसा हुआ था, तो ग्राउंड पिन का ट्रैक पूरा कट हो गया था, और जो सप्लाई आता है इसका, सप्लाई के लिए रेजिस्टेंस यूज किया है 474 474, ऐसे 4 रेजिस्टेंस यूज किए हैं, दो दो को पैरेलल में रख करके और सीरीज बनाया हुआ है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आईसी के पिन नंबर जो सप्लाई पिन है उसको कनेक्ट नहीं हो रहा था, 7 नंबर VCC पे, वो कनेक्ट करने के बाद में इसकी सप्लाई आ गई थी। और ड्राइव के लिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जले हुए थे, वो मैंने डाला था 56 ओम्स का, वो तो पहले ही आप चेंज कर लिए थे, और उसके बाद में ये 0.22 ओम्स का जो 2 रेजिस्टेंस मैंने डाला है, यहाँ 0.12 आता है, इसलिए मैंने 2 लगाया है। कभी कभी लोड का प्रॉब्लम आता है। फिर हमने इसमें ड्राइव आने के बाद में मॉस्फेट डाला, मॉस्फेट डालने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि मॉस्फेट हीट हो रहा था और यहाँ LED नहीं आ रही थी। तो हमने चेक किया तो ये डायोड, इसका जो डायोड है ये शॉर्ट था, ये इसमें कंडेंसर भी फूटा हुआ आपको दिखाया था मैंने, तो ये कंडेंसर मैंने ये डायोड डाल दिया। डायोड डालने के बाद में आउटपुट आने लगा लेकिन ये ब्लिंक होने लगा, ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम मैंने चेक किया। तो सबसे पहले मैं ब्लिंकिंग के लिए इसके ये सप्लाई को चेक किया, जो PFC वोल्टेज आता है, PFC वोल्टेज ब्लिंक हो रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे ये डायोड शॉर्ट मिला, देखिए SR310 मैंने जो डाला है, ये डायोड शॉर्ट निकला था इसका, ये डायोड मैंने डाला, उसके बाद भी ब्लिंकिंग बंद नहीं हुआ इसका।
और ब्लिंकिंग ऐसा आ रहा था कि मतलब प्राइम जो हमने बल्ब लगाया था सीरीज में वो भी जल रहा था। तो इसके लिए बल्ब जल रहा था, फिर हमने सेकेंडरी का जो कंडेंसर था वो जो फट गया था वो डाला मैंने, और मुझे डाउट आया तो मैंने इसको डायरेक्ट सप्लाई में लगा करके देखने के लिए पैरेलल सप्लाई लगाया, तो उसके बाद ये कंडेंसर फूट गया, इसका ये कंडेंसर बस्ट हो गया। फिर हमने कंडेंसर निकाल दिया ये, और इसके ऑटो कपलर को चेंज किया। ऑटो कपलर चेंज करने के बाद मैंने कंडेंसर डाला, तभी ये वोल्टेज नॉर्मल आ गया। देखिए इसमें प्रॉब्लम, पहले प्रीसेट भी मैंने चेंज किया था लेकिन प्रीसेट का भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रीसेट से हाई वोल्टेज कभी नहीं होता है, प्रीसेट से लो वोल्टेज आ सकता है, ब्लिंकिंग आ सकती है, लेकिन हाई वोल्टेज प्रीसेट से कभी नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखें। प्रीसेट खराब हो जाएगा तो सप्लाई अपसेंट हो जाएगी, या हाई हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन प्रीसेट से हाई वोल्टेज कभी नहीं आता है। ये हाई वोल्टेज आ रहा था ऑटो कपलर से, और ब्लिंकिंग ऐसी थी कि इसका जो सीरीज का हमने बल्ब लगाया था वो भी जल रहा था। रिंकू जी, रिंकू जी गुड मॉर्निंग। रिंकू जी ने पूरे एक दिन ऐसा प्रॉब्लम पूछा था कि प्राय बल्ब भी जल रहा है, बंद चालू हो रहा है, तो इसका ऑटो कपलर खराब था, इसका बल्ब ब्लिंक हो रहा था, बंद चालू हो रहा था, और सप्लाई 40 के आसपास जा रही थी। अब इसका देखिए मॉस्फेट मैंने डाला है, अभी 1860 डाला मैंने, मेरे पास वही था, और दूसरे मॉस्फेट पर मेरा भरोसा भी नहीं रहता है। 1860 मॉस्फेट डाला है मैंने इसके SMPS के लिए, और ये दो रेजिस्टेंस डाले हैं, एक के ऊपर 1.22 के, एक डायोड, ये खराब था PFC का, ये डायोड मैंने डाला। अब इसका सब कुछ वोल्टेज परफेक्ट है, आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए सप्लाई की LED जल रही है, और वोल्टेज भी आप देखेंगे तो ये वोल्टेज भी परफेक्ट आ रहा है, 35 वोल्टेज बराबर इसका आ रहा है। ये देखिए 35 वोल्टेज आ रहा है इसका, और ये 12 वोल्ट भी बराबर आ रहा है। ये देखिए 11 वोल्ट दिखा रहा है, 12 वोल्ट है बराबर है। तो ये सप्लाई सब बराबर आ गई है इसकी। तो इसमें मेन प्रॉब्लम देखिए ब्लिंकिंग के लिए जो था वो ऑटो कपलर निकला था, और बंद चालू मतलब बंद चालू कर रहा था, ट्रिप कर रहा था इसको, और बल्ब भी जल रहा था प्राइमरी का। ऑटो कपलर बहुत तरह से खराब होता है, इसके जो सेकेंडरी भाग रहता है जो प्राइमरी में आता है वहाँ ट्रांजिस्टर का एमिटर और बेस, एमिटर और कलेक्टर रहता है, और जो प्राइमरी भाग है जो सेकेंडरी में रहता है वहाँ एक डायोड रहता है, सेंसर टाइप डायोड रहता है, और जो डायोड वो फंक्शन करता है सप्लाई से, तो डायोड से ये ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करता है, लेकिन दोनों कनेक्ट नहीं रहते हैं, अलग अलग भाग बांट रहता है। तो इस तरह से ऑटो कपलर काम करता है। ऑटो कपलर इसका किस तरह से खराब होगा, उस तरह से वोल्टेज लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा या ब्लिंक करेगा, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम एक ही पार्ट से आते हैं, वो पार्ट्स किस तरह से खराब हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑटो कपलर प्राइमरी सेकेंडरी शॉर्ट हुआ तो बहुत कुछ डैमेज करता है, लेकिन ऐसा कम होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी शॉर्ट होता है। एक तो प्राइमरी में कुछ वैल्यू चेंज हो जाता है या सेकेंडरी में हो जाता है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी शॉर्ट अभी तक ऑटो कपलर में मुझे नहीं मिला है। कभी कभी फट जाता है, बस्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं मिला है। ये मॉस्फेट हीट होने का और भी एक रीजन रहता है, कभी कभी हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी में कोई भी डायोड शॉर्ट होने के बाद में प्राइमरी आपका बल्ब जलेगा। इसका भी ऐसे ही हो रहा था, जब ये मॉस्फेट हमने डाला था सब ड्राइव वगैरह होके आने के बाद में, तो ये प्राइमरी का बल्ब जो बल्ब हमने लगा रखा है सीरीज में वो बल्ब थोड़ा सा ग्लो हो रहा था, पूरा नहीं ग्लो हो रहा था टोटल, और फिर मैंने मॉस्फेट को हाथ लगा करके देखा तो मॉस्फेट हीट हो रहा था। जब आपको मॉस्फेट ऐसा हीट मिले तो दो रीजन हो सकता है, एक तो सेकेंडरी में डायोड खराब हो सकता है, या प्राइमरी में भी एक डायोड लगा रहता है, एक कंडेंसर और एक डायोड लगा रहता है, वो डायोड या कंडेंसर शॉर्ट होने से। मोस्टली क्या होता है, कंडेंसर जब शॉर्ट होता है तो आपका डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, कंडेंसर ज़्यादा करके जलता है वो या फूट जाता है, और ये आपका डायोड भी खराब होता है, तो उस सिचुएशन में भी आपका मॉस्फेट गर्म होगा, आउटपुट नहीं आएगा ड्राइव होने के बावजूद। ड्राइव आपकी सही आ गई है, आपको कॉन्फिडेंस है कि डायोड हमारी ड्राइव बराबर है, उसके बाद भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है मॉस्फेट को आप थोड़ा सा चालू कर लें फिर बंद करके मॉस्फेट को हाथ लगा कर देखें अगर हीट हो रहा है। ये दो रीजन होते हैं। इसके सेकेंडरी में देखिए दो दो डायोड लगे हैं, एक फैन के लिए 12 वोल्ट के लिए, एक 36 वोल्ट के लिए, तो 36 वोल्ट का डायोड ये शॉर्ट हो गया था। पर इसके इसमें पहले ये कंडेंसर फूटा हुआ था और दूसरा कंडेंसर ये फूट गया, कल जब मैं काम कर रहा था पैरेलल में जोड़ा था तो ये कंडेंसर फूट गया था। अभी इसकी सप्लाई परफेक्ट है, मैंने प्रीसेट भी चेंज किया था लेकिन प्रीसेट खराब नहीं था इसका। यहाँ पे ये PFC के लिए ये डायोड इसका खराब था, CTNA मोस्टली खराब होता है डायोड। आप PFC अगर आपका नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आप इसके जो हाई वोल्टेज में जो कंपोनेंट्स है वही चेक करेंगे। उसमें देखिए ये एक डायोड आता है 2 लेग का, जो मॉस्फेट टाइप ही रहता है, उसे 2 ही लेग्स रहते हैं, वो आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड है बड़ा जो 310 है, वो है MOV एक यूज किया हुआ है, और
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का है, वो मॉस्फेट से कनेक्टेड है, तो मॉस्फेट तो आप चेक करते ही हैं। तो पहले हाई वोल्टेज सप्लाई सेक्शन में पहले देखें, उसके बाद अगर ड्राइव वगैरह नहीं है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप आईसी की तरफ बढ़ें। इसकी आईसी ओके है, पीएफसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएफसी वोल्टेज भी बराबर बन रहा है, इसका 380 आ रहा है, इस तरह से सप्लाई ओके हो गई है। देन इसके बारे में मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो सके सबकी और सबको जानकारी मिल सके। पीएफसी को ट्रेस करने के लिए सेक्शन को आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो एसएमटीएस रहते हैं, इसमें ज़्यादा वाइंडिंग रहती है, ट्रांसफार्मर में साइज में भी कुछ बड़ा रहता है, लेकिन पीएफसी में खाली दो ही वाइंडिंग रहती है। ये पीएफसी एसएमटीएस की जगह पे, ट्रांसफार्मर की जगह पे कभी कभी छोटे क्वाइल भी यूज करते हैं। मैंने दिखाया होगा आपको पहले, ओल्ड टाइप की जो सप्लाई जाती थी उसमें क्वाइल रहता था। सब कुछ वोल्टेज आने के बावजूद अगर पीएफसी वोल्टेज आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है पिंस पे, तो इसके बीच में एक फ्यूज दिया रहता है, वो फ्यूज ओपन होने से भी आपकी सप्लाई नहीं आती है। कैपेसिटर पे सप्लाई आती है, लेकिन आपकी पीएफसी वोल्टेज पे बिल्कुल जीरो सप्लाई आ जाता है। जब हमारा इग्निटर बोर्ड खराब होता है, जिसको ब्लास्टर बोलते हैं, अगर वो खराब होता है तो उसके वजह से ये फ्यूज वगैरह कभी ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इग्निटर बोर्ड आपको चेंज करना पड़ता है। वो बोर्ड चेंज करके शॉर्टिंग चेक कर ले आप, वो पिन पे जो इग्निटर बोर्ड लगता है, इग्निटर बोर्ड आपने देखे होंगे, उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप के रहते हैं। सब मॉडल्स के अलग अलग इग्निटर्स आते हैं। पहले जो एसआरपी की सप्लाई आती थी उसमें 16 पिन की भी कुछ आईसी जाती थी, और ये देखिए इग्निटर बोर्ड इस तरह टाइप के आते हैं। इसमें कनेक्टर यहाँ पे सप्लाई का लगा रहता है, फिर उसके बाद में लाइन क्वाइल है, फिर बाद में मॉस्फेट, देखिए ऐसे चार मॉस्फेट लगे रहते हैं, चार लगे रहते हैं, किसी में छह लगे रहते हैं, और ये इसका चिप सॉफ्टवेयर सेक्शन है जिससे कि इनपुट आता है, यहाँ से एक कनेक्टर दिया होता है और इनपुट आता है जिसका मदरबोर्ड से, जो एसआरपी का मदरबोर्ड होता है उससे आता है, और इसमें से एक लैम्प का आउटपुट जाता है। इसकी सप्लाई देखिए, जो ब्लास्टर के लिए जो सप्लाई जाती है इसी से बूस्ट होती है। कैपेसिटर्स लगे हैं और ये लगते हैं, ये भी शॉर्ट होते हैं कभी कभी, ये शॉर्ट होने से ये ब्लास्टर का आउटपुट नहीं आता है। ब्लास्टर का इनपुट देखिए यहाँ से है, और यहाँ पे देखिए पीछे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये सब जो खराब होते हैं रेगुलेटर वगैरह तो हो जाता है, ज्यादा करके इसमें जब प्रॉब्लम आ जाता है तो रिपेयरिंग के लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें इसके पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, इसमें ऑटो कपलर, तीन चार ऑटो कपलर लगे रहते हैं, और बाकी चिप आईसी है, ये इसमें खराब हो जाने से ये नहीं रिपेयर हो पाता है, ये मार्केट में नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपके एसीआर वगैरह इसमें से कुछ खराब है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई कैपेसिटर जला है तो आप खोल के अवश्य देखें, अगर रिपेयरिंग लायक है तो रिपेयर करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो फिर ये चेंज ही करना पड़ता है। ये भी मार्केट में मिल जाते हैं, मॉडल नंबर से अलग अलग टाइप के आते हैं ये बोर्ड। और सारपीज में प्रॉब्लम यही सब आता है, ये बोर्ड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, लैम्प का प्रॉब्लम आता है, होल्डर का प्रॉब्लम आता है, फैंस का प्रॉब्लम आता है, और पावर सप्लाई सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज है जो रिपेयरेबल है, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए पावर सप्लाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ब्लास्टर वगैरह तो मतलब इसका जो रिपेयरिंग का चांसेस है बहुत कम होता है, 25% समझ लीजिए रिपेयर हो जाते हैं, 75% नहीं हो पाते हैं। अगर आपके पास ऐसे पार्ट्स स्क्रैप पड़े हैं तो चांसेस रहता है, लेकिन ज़्यादा करके प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, उसके बाद ही हम इसको स्क्रैप करते हैं तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑटो कपलर वगैरह इसके ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, ज़्यादा करके आपके स्पार्क होने में चिप खराब हो जाती है, पीछे एक छोटी सी चिप यूज की है, आईसी यूज की है, इसमें पाँच छः आईसी रहती है छोटी छोटी, फ्रंट में तीन चार रहती है, बैक में तीन चार रहती है, इसे ज़्यादा भी है, किसी में कम भी है, तो ये यहाँ इसमें प्रॉब्लम आने के बाद में मुश्किल हो जाता है रिपेयर होना। अगर आपके हाई वोल्टेज सेक्शन में प्रॉब्लम कुछ है तो सॉल्व हो जाता है, कभी कॉइल ओपन होता है, रेजिस्टेंस जलता है, या फिर ये कंडेंसर शॉर्ट होने से ये हो जाता है प्रॉब्लम, तो ये हम सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी प्रॉब्लम इसमें का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है पूरी तरह से, या आईसी भी अलग अलग नंबर के हैं, मार्केट में भी मिलना मुश्किल ही रहता है। लेकिन आप कोशिश जरूर करें, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, अगर आपसे होता है, कोशिश करते रहेंगे तो जरूर होगा वो। और इस पावर सप्लाई के बारे में देखते हैं, इसका जो इसमें जो कैपेसिटर लगे हैं, देखिए दो दो लगे हैं, लेकिन दोनों एक साथ में कनेक्ट नहीं है,
ये पीएफसी के लिए एक दूसरा कंडेंसर लगाया है, देखिए इसमें कलर भी अलग अलग है दोनों, वोल्टेज लेकिन लगभग वोल्टेज सेम ही है, 420 वोल्ट दिया है, ये 420 के ऊपर जो वोल्टेज जाता है तो ये कंडेंसर फटता है, तो पीएफसी का वोल्टेज इतना बूस्ट कैसे होता है, वो आपके यहाँ से ही प्रॉब्लम होता है, जब ड्राइव बढ़ जाता है इसका तो ये पीएफसी आपका शॉर्ट होता है और उसके बाद में ये कंडेंसर बस्ट हो जाता है, या आप एक बार इसको ओके करने के बाद में भी कैपेसिटर को भी हाथ लगा के देख ले कंडेंसर इसका गर्म तो नहीं हो रहा है, अगर कंडेंसर गर्म हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि इसका पीएफसी वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है। और पीएफसी सेक्शन देखिए यहाँ ऑटो कपलर से भी कनेक्ट है क्योंकि फीडबैक इसका एसएमपीएस से ही जाता है, दोनों आईसी है फीडबैक दोनों को फीडबैक एसएमपीएस से ही जाता है, अगर आपका ये ऑटो कपलर खराब होता है तो ये पीएफसी सेक्शन पे भी असर डालता है। पीएफसी वोल्टेज मैंने कल देखा था 75 से 350 400 तक वेरी हो रहा था जब वो ब्लिंक हो रही थी लाइट, ये डायोड डालने के बाद में वो ब्लिंकिंग बंद नहीं हुआ, मुझे लगा पीएफसी से ब्लिंकिंग हो रहा है लेकिन पीएफसी से ब्लिंकिंग नहीं था, ये डायोड हमने चेंज किया, उसके बाद कन्फ्यूजन था ये ब्लिंकिंग क्यों हो रही, फिर हमने ऑटो कपलर को चेंज किया, ऑटो कपलर एक ऐसा पार्ट है जो चेक नहीं होता परफेक्टली, उसको आप कभी भी चेंज करके ही देखे जरूरत ऐसा प्रॉब्लम आए तो। ये हमारी पावर सप्लाई रेडी हो गई है, आज कल हम ये पावर सप्लाई को आपको बना के दिखाएंगे, इसका इसकी आईसी लाएंगे आज मार्केट से ला के रखेंगे और कल हम इसको रिपेयर करेंगे, इसका प्रॉब्लम पीएफसी में ही है, पीएफसी की आईसी हमने डाला है लेकिन इसका ड्राइव वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ड्राइव वोल्टेज जो है इसका 13 वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है आईसी का वही आउटपुट पे आ रहा है, ऐसा आना नहीं चाहिए, और ड्राइव इस कंडीशन में अगर हम मॉस्फेट डाल रहे हैं तो ये मॉस्फेट बल्ब अपना ग्लो होता है सीरीज का लेकिन मॉस्फेट शॉर्ट नहीं हो रहा है लेकिन ग्लो हो रहा है, जब बाइसिंग गलत होती है तो ये ऐसा प्रॉब्लम आता है, और ये लेटेस्ट पावर सप्लाई है इसकी आईसी है 6x62, हमने कल डाला था 6x1 लेकिन आईसी चल नहीं पाई, दो आईसी डाल के देखी हमने और उसकी मार्किंग भी बराबर नहीं है, आईसी डाउटफुल लग रही है, तो आज एक आईसी और लाएंगे, अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी हम उसको करेंगे, तो कल हम इस पावर सप्लाई को बना के दिखाएंगे, आज आपको इसके बारे में अगर कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में जाइए और आप आपके सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। यहाँ पे कनेक्टर देखिए 3 लगाए लगे हुए हैं फैन के लिए, फैन के लिए एक ही कनेक्शन लगता है लेकिन बाकी सप्लाई वगैरह 12 वोल्ट की सप्लाई इसके मदरबोर्ड पे भी जाती है, जो सारपी का मदरबोर्ड होता है 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है वो भी, लेकिन 12 वोल्ट सप्लाई दे करके 5 वोल्ट रेगुलेटर वो मदरबोर्ड पे लगा होता है, वो 5 पिन का रेगुलेटर होता है, ज़्यादा करके सारपी के मदरबोर्ड पे मैंने जो रेगुलेटर देखा है वो जो जो मदरबोर्ड हमारे रजत वगैरह जिया वगैरह में जो मदरबोर्ड लगता है उस पर जो रेगुलेटर लगता है वही रेगुलेटर रहता है, हम कभी कभी वो निकाल के रेगुलेटर यूज करते हैं। जैसे जैसे हम सारपीच की पावर सप्लाई अलग अलग पावर सप्लाई बनाएंगे हमें अलग अलग आईसीज वगैरह का आइडिया आएगा, जो 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 आईसीज हमारी यूज होती थी पिन टाइप यूज जो सर्किट में पिन टाइप आईसी यूज होती थी डीप में, वो आईसी भी कोई कोई सर्किट में यूज किया हुआ है, एक एक सर्किट मैंने देखा है उसमें 2263 आईसी यूज किया है पिन टाइप में, तो पिन टाइप में भी आते थे वो भी, एक सप्लाई मेरे पास पड़ी हुई है उसमें 2 आईसी अलग अलग लगी हुई है पिन टाइप में, आईसी वाली सप्लाई भी मेरे पास सारपी की है, पार्ट्स वगैरह अवेलेबल रहेगा तो हम उसका वीडियो बनाएंगे आपको रिपेयर करके लाइव में हम दिखाएंगे उसको भी, क्योंकि हर एक टाइप की सप्लाई हमारे पास आएगी, हर एक टाइप की सप्लाई को हमें बनाना है। उसमें जो रेगुलेटर लगता है उसका नंबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ कोई बोर्ड पड़ा है मेरे पास बोर्ड में से दिखा बता देते हैं, ये देखिए ये मदरबोर्ड पे सारपी के मदरबोर्ड पे ये रेगुलेटर आता है, इसका नंबर कल कल हमसे किसी ने पूछा था तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो का बना के डाला था, इसका TD1507 नंबर है, TD1507 ये रेगुलेटर देखिए 5 पिन का लगा हुआ है, ये बहुत ये मदरबोर्ड में बहुत से मदरबोर्ड में आता है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसमें बहुत कुछ कनेक्शंस रहते हैं लेकिन इसमें यूज नहीं है ज्यादा, 2 ही पिन यूज किया है, एक सप्लाई का इनपुट एक ग्राउंड और एक आउटपुट, 3 पिन यूज किया है, इसमें रीसेट भी रहता है और स्विच भी रहता है जिससे सप्लाई को ऑन ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें वो सब यूज नहीं होता है, लेकिन सारपी में यूज होता है वो पिन, पांचों के पांचों पिन सारपी में यूज होते हैं, अगर ये आईसी खराब होती है तो आप ये इसके मदरबोर्ड में ये एक रहता है ये चेंज करके, कभी कभी मदरबोर्ड ओके हो जाता है उसका, या मदरबोर्ड ज्यादा उसमें प्रोसेसर आईसी बड़ी यूज की है वो आईसी भी अवेलेबल नहीं है वो खराब होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और सारपी में ज्यादा करके प्रॉब्लम बेल्ट या फिर केबल वगैरह जो कनेक्शन रहते हैं मूवमेंट के कारण वो खराब हो जाते हैं केबल वगैरह, तो भी प्रॉब्लम आता है बंद चालू होने का, मूवमेंट में बीच में बंद होना,
या लैंप होल्डर का प्रॉब्लम आने से लैंप कभी कभी ऑफ होता है, ये सब शार्पी का कॉमन प्रॉब्लम है। हम शार्पी का भी वीडियो बना के डालेंगे, पहले पावर सप्लाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा पावर सप्लाई देखें, उसके बाद मदरबोर्ड वगैरह का भी हम जरूर बना के दिखाएंगे। सुनील पाटिल जी जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सुनील जी, बताइए कहाँ से हैं आप। सुनील पटेल, सॉरी पाटिल नहीं, पटेल जी हैं, सुनील पटेल जी हैं, ये शायद पहली बार जुड़े हैं लाइव में। अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी प्रॉब्लम है पावर सप्लाई का फोटो डालिए, मार्क करके भेजिए, उसका वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी बताएंगे, नंबर चाहिए नंबर बताएंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो जरूर बताएंगे, कोशिश करके आपको निकाल के देंगे हम नंबर। तो आप उसका फोटो के साथ में आप डिटेल में डाला कीजिए, या आपको पार्ट्स का रिक्वायरमेंट है वो भी बताइए आप, हम पार्ट्स भी आपको जरूर भेज देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा हम नहीं करते हैं इसको, और कल हम दूसरी शार्पी की पावर सप्लाई, अगर आज आईसी मिल जाती है मार्केट, हम जाने वाले हैं, आईसी मिल जाएगी तो हम उसको कल करके बताएंगे, उसके बाद आगे क्या प्रोग्राम रहेगा, हम शॉर्ट बना के डालते रहते हैं तो आपको पता चलते ही रहता है, और आपके प्रॉब्लम्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, 9 बजे से भी कर सकते हैं कॉल, ये टाइम मॉर्निंग टाइम में आप, अभी मेरा वीडियो जब लाइव खत्म होता है तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं। सुनील पटेल जी गुजरात से हैं, बता रहे हैं गुजरात से हैं, ओके ओके, तो ठीक, मिलते हैं अगले अगले लाइव में, कल 8 बजे सुबह मिलेंगे आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे फोटो डालिए, कुछ जानकारी चाहिए हमारे पास होगी तो जरूर शेयर करेंगे, या आपके पास है तो आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।